हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कैद टूटोरियल फ्रेंड्स टूडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट हाउ टू ड्रॉ दिस फैन ब्लेड ड्राॅइंग इन ऑटो कैड विद वेरी सिंपल वे सो फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो कि फैन ब्लेड की ड्राॅइंग है इसको ऑटो कैड में ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले गाइस इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं सभी का रेडियस दिया है और ये दोनों लाइंस हैं इन दोनों के बीच का एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ये दो छोटे वाले सर्कल 40 रेडियस एंड ये बड़ा वाला सर्कल 70 रेडियस जो है दिया है इन दोनों को ड्रॉ करेंगे सर्कल कमांड पर क्लिक किया है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इसका रेडियस दे दिया है एंटर अगेन एंटर बटन प्रेस करके सर्कल कमांड ली है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये लिया है और इसका रेडियस दिया है 70 अब गाइस इस बड़े वाले सर्कल को देखेंगे यहाँ पर ये डोटेड लाइन में है तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे सर्कल को सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टीज पैनल में गए हैं लाइन टाइप में गए हैं और यहाँ से मैंने सेंटर लाइन लोड की हुई है यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो देखेंगे ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट तो हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है तो इसके लिए गाइज़ हम क्या करेंगे सर्कल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका लाइन टाइप स्केल कर देंगे तकरीबन ट्वेंटी ट्वेंटी कर दिया है पैनल को यहाँ से क्लोज कर दिया है तो देखेंगे ये अब अच्छे से सेंटर लाइन में दिखाई दे रहा है चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर देंगे प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे कलर यहाँ से चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से ग्रे कलर कर दिया है अब गाइस देखेंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लाइंस बनी हुई हैं तो पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनाएंगे यहाँ तक और मैच प्रॉपर्टी से गाइस हम इसका भी प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब एरे कमांड लेंगे सिंपल ए आर टाइप करेंगे एंटर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंटर पोलर एरे में जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर मैं कर दूंगा एट एंटर अगेन एंटर तो देखेंगे गाइज ये मेरी एट लाइंस बन गई हैं 45 डिग्री एंगल्स पर आप क्या करना है गाइज यहाँ पर देखेंगे ये 60 रेडियस का एंड 80 रेडियस का ये दो सर्कल बने हैं जिन दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ पर इस जगह पर है जहाँ पर ये सेंटर लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो सबसे पहले 60 रेडियस का और उसके बाद 80 रेडियस का दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल कमांड पर गए हैं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर क्लिक किया है रेडियस दिया है सिक्सटी अगेन एंटर किया है सर्कल कमांड फिर से आ गई है और इसका रेडियस दिया है हमने इस सर्कल का 80 ट्रिम कमांड में गए हैं दोस्तों टी आर टाइप किया है एंटर इस लाइन को सेलेक्ट किया है सिंगल एंटर और यहाँ पर क्लिक कर दिया है इतने पोर्शन को हम कर देते हैं ट्रिम अगेन टी आर कमांड ली है डबल एंटर किया है यहाँ पर क्लिक किया है एक क्लिक यहाँ पर किया है रिमेनिंग पार्ट को हम कर देंगे इरेज तो कुछ इस तरीके से गाइज हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है अब इन दोनों पोर्शन का हम एरे कमांड के थ्रू एरे कर लेंगे पोलर एरे के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है ए आर टाइप किया है एंटर पूछ रहा है किस टाइप का आपको एरे चाहिए तो मैं गया पोलर एरे में स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है अब की बार यहाँ पर दिख रहा है आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स मैं कर देता हूँ फोर एंटर एंटर तो देखेंगे गाइज़ कुछ इस तरीके से बन गया है अब गाइज़ हमारे यहाँ पर दिया है एक सर्कल ये जिसका रेडियस दिया है वन थर्टी और इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर तो हम वन थर्टी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर क्लिक किया है सेंटर पॉइंट यहाँ पर लिया है और इसका रेडियस दे दिया है 130 एंटर अब क्या करेंगे गाइस? ट्रिम कमांड लेंगे यहाँ से भी ले सकते हैं ट्रिम कमांड पर क्लिक किया है एक सिंगल एंटर किया है इसको ट्रिम किया है इसको ट्रिम किया है और एक यहाँ पर ट्रिम किया है तो देखेंगे इतना पार्ट मेरा बन गया है यानी इसका एक ब्लेड बन गया है अब इसी ब्लेड को हम एरे कमांड से चारों तरफ बना देंगे बाकी जो पार्ट है गाइस इसको हम कर देंगे रेज इरेज एंड इरेज एरे कमांड करने से पहले गाइज़ हम इसका देखेंगे यहाँ पर हमने फिलट भी किया हुआ है देखेंगे यहाँ पर इसका फ्लेट दिया है टेन यहाँ पर दिया है गाइज़ इसका टेन और यहाँ पर दिया है टेन यानी टेन टेन रेडियस का यहाँ पर फिलट किया है तो फिलट कमांड में गए हैं एफ टाइप किया है एंटर और रेडियस के लिए गाइज हमने यहाँ पर क्लिक किया है कितना रेडियस लेना है टेन एंटर यहाँ पर क्लिक किया है यहाँ पर क्लिक किया है टेन का ये रेडियस टेन रेडियस में गाइज ये फ़िलेट हो गया है अगेन एंटर किया है फ़िलेट कमांड फिर से आ गई है अब की बार यहाँ पर क्लिक किया है और माउस को यहाँ अंदर की तरफ ले आकर यहाँ पर क्लिक किया है अगेन एंटर यहाँ पर क्लिक किया है और माउस को फिर अंदर की तरफ लाए हैं यहाँ पर क्लिक किया है तो देखेंगे ये एक ब्लेड हमारा यहाँ पर बन गया है अब इसको हम एरे कमांड से पोलर एरे कमांड से चारों तरफ बना लेंगे सारे पोर्शन को गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है एरे कमांड के लिए ए आर टाइप किया है एंटर एंटर एरे टाइप तो मैं पोलर एरे में गया हूँ स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और अब की बार नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पर मैं कर देता हूँ फोर एंटर एंटर तो देखेंगे गाइस ये मेरा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है अब गाइस हमें इसकी अगर डायमेंशनिंग करनी है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ गाइस मैंने किस तरीके से इसकी डायमेंशनिंग तरीके से गाइज़ इसकी हम डायमेंशनिंग कर लेंगे सभी का रेडियस आ गया है सभी का एंगल आ गया है आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साजिद के ट्यूटोरियल, एंड मेरी वीडियो को वाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए नाइस डे